हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं आपके लिए बैटरी मैनेजमेंट कोर्स की कोर्सेरा की प्रैक्टिस क्विज 1.13 के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच इलेक्ट्रोड डज रिडक्शन ऑकर व्हेन अ सेल इज डिस्चार्ज्ड एंटर नेगेटिव और पॉजिटिव विदाउट द कोर्स। कि कौन से इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे रिडक्शन होती है? तो पॉजिटिव पे हमेशा रिडक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है? इफ़ द नेट मूवमेंट ऑफ कैटायंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रीजन towards the negative electrode region is the cell being charged or discharged। मतलब कि अगर movement कहाँ से है, positive से negative में है, तो electrode charged होगा या discharged होगा। तो इसे हम बोलते हैं charged, अगर movement होता है positive से negative में। Next क्या है? Which component of a cell must be designed टू प्रिवेंट सेल्फ डिस्चार्ज, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक तो इसमें देखिए, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो नहीं होगा, द इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट दो इलेक्ट्रोड को सेपरेट रखता है, इसलिए वो होगा आंसर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं, करंट कलेक्टर्स नहीं, द सेपरेटर, सेपरेटर सेपरेट करता है इलेक्ट्रोड्स को, इसलिए ये होगा आंसर। तो क्विज कंप्लीट हो गई है, अब हम इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखिए, हमारे सारे आंसर्स ठीक गए हैं और 100% रिजल्ट आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटर जो भी मैं एकदम वीडियो डालूँ आपको एकदम नोटिफिकेशन मिले। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।